ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕੁੱਤੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਮਿਲੇ ਕੁਤੇ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਲੱਗਿਆ ਕੁਤੇ ਨਾਲ ਕੁਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਟੁੱਟੀ ਉਸ ਮਕਾਨਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅੱਜ ਕੁਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿਖੇ ਅੱਜ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰੋਡ ਪਰ ਆਈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਸਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਨਾ ਅਸਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਸਾਡੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਤ ਹੈ ਬਦੋਲ ਬਦਰ ਕਰੀ ਉੜੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਿਓ ਨੇ ਇਸ ਦਾਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਸਰਦੇ ਬਣਾਈਏ ਦਿੱਤਾ ਨਾਰੇ ਲਾਜੇ ਕਿ ਮਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਦੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਕਰੀ ਉੜੇ ਦਿੰਦੇ ਹਮਾਰੀ ਮੰਗੇ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਹਮਾਰੀ ਮੰਗੇ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਥਰਡ ਫੇਸ ਕੀ ਪੇਮੈਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ ਥਰਡ ਫੇਸ ਕੀ ਪੇਮੈਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ ਥਰਡ ਫੇਸ ਕੀ ਪੇਮੈਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਜੁਬਾਨ ਸੇ ਬੇਵਕੂਫ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬੰਦ ਕਰੋ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਜੁਬਾਨ ਸੇ ਬੇਵਕੂਫ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬੰਦ ਕਰੋ ਆਵਾਜ਼ ਦੋ देखिए बड़ी दुख की बात है कि गवर्नमेंट की तरफ से हमारे जो अनएम्प्लॉयड इंजीनियर थे उनके लिए एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए थे जिसके तहत उनको कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे। हालांकि कुछ देर के बाद गवर्नमेंट ने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको ख़त्म भी कर दिया था। इसी के संदर्भ में हमारे जो इंजीनियर्स हैं इन्होंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट लिए थे, जैसे कि सांबा सिडको फेस 3 में भी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ली थी जिसमें इन्होंने कुछ रोड्स के काम किए थे, कुछ लेन ड्रेन के काम किए थे, इसी के साथ में इलेक्ट्रिसिटी और वाटर पाइपिंग जो है लाइन जो बिछाई गई थी उसके काम किए थे। आज 2 साल होने के बाद भी इनको उसके पैसे जो है फंड जो है रिलीज नहीं किए गए। इसके संदर्भ में ये एक्सियन सिडको MD सिडको सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक गए लेकिन इनकी किसी ने नहीं सुनी। इसके बाद इन्होंने MP जोगीशोर शर्मा जी से भी एक DO बनाकर हमारे MD को दिया था सिडको को, लेकिन तब भी इनके कुछ नहीं किया गया। आज हमारा एक धरना प्रदर्शन एक्सियन सिडको बड़ी ब्राह्मणा में किया गया इन युवाओं के साथ में, लेकिन हम इन डिपार्टमेंट्स को ये बान करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द अगर इनका कोई हल नहीं निकाला जाता है, इनको फंड्स रिलीज नहीं किए जाते हैं, तो एक बड़ा धरना प्रदर्शन हम हमारे MD सिडको के ऑफिस में जम्मू में जाकर करेंगे। और हम ये बान करना चाहते हैं कि अगर जल्द से जल्द इनके पेमेंट या फंड्स रिलीज नहीं की जाती है तो हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम LG साहब के दफ्तर तक LG साहब तक भी ये बात पहुंचाएंगे कि इन युवाओं के साथ जो आत्मनिर्भर युवा प्रधानमंत्री का जो सपना है इनके साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। ये युवा आज बेरोजगार हो चुके हैं, इनके जो इन्होंने जो पैसे वहाँ पे लगाए हैं, बैंक के लोन लिए हैं, वो डिफॉल्टर हो चुके हैं। आखिरकार इनके साथ इनजस्टिस क्यों किया जा रहा है। मैं LG साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द इनके जो फंड्स हैं, इनके जो पैसे जो बने हुए हैं, जल्द से जल्द रिलीज किए जाए ताकि इन लोगों को जो दुख परेशानी इनके परिवार में जो समस्याएँ बनी हुई हैं वो जल्द से जल्द खत्म की जा सके। मैं इन सभी इंजीनियर्स को ये आश्वासन दिलाता हूँ कि हम लोग सभी लोग इनके साथ खड़े हैं, जब तक इनको पेमेंट नहीं मिलते हैं हम शाना बशाना आपके साथ खड़े हैं और जहाँ तक हमें जाने की जरूरत पड़ेगी हम दिन रात इनके साथ जाकर इनको इनका हक इनके फंड जो है